नमस्ते सदावस्थले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत से बचने के लिए गुपचुप तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका से रडार खरीदा है। बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक का सदमा पाकिस्तान अभी तक नहीं भुला पाया। भारत ने 25 फरवरी 2019 को बालाकोट पर ताबड़तोड़ अटैक किया था, लेकिन पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। और हाल ही में जब ब्रह्मोस मिसाइल उनके एरिया में गिरी थी तब भी उनको कोई भनक नहीं थी। ऐसे में दोस्तों, जहां एक तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध खराब है, तो इन सब के बावजूद भी अमेरिका से मल्टी रोल रडार सिस्टम TPS-77 की डील उसने की है। इस बात का खुलासा खुद भारतीय खुफिया एजेंसियों ने किया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से 13 मल्टी रोल रडार की डील की है, जिनमें 8 पाकिस्तान में आ भी चुके हैं, और इन सब को भारतीय एयर ट्रैफिक को ट्रैक करने के लिए तैनात कर दिया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए चीन से भी रडार मांगा है। इन 13 रडार सिस्टम में से 8 पाकिस्तान को मिल चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, जिनमें से 7 को उसने तैनात भी कर दिया है। जिनमें से एक एक रडार पाकिस्तान ने अलग अलग एरिया में डिप्लॉय कर दिए हैं, जिनमें की एक रडार लद्दाख के दूसरी और POK के देवसाई में, दूसरा POK के मीरपुर के मंगला में, तीसरा करतारपुर के करीब पसरूर में, पंजाब फिरोजपुर के दूसरी और पाकिस्तानी पंजाब के चुनियाना में, इसके अलावा कराची के पास भुलारी, भुज की दूसरी और बदीन, और जैसलमेर के दूसरी और पानो अकील में तैनात किया है। जबकि 8वां रडार बहावलपुर में स्थापित करने की तैयारी है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बाकी के 5 रडारों को तैनात करने के लिए लोकेशन तय की जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, जिनमें खैबर पख्तून के नौशेरा जिले का चेरत भी शामिल है। खास बात यह है कि ये सारे रडार सिस्टम POK और भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर इलाके में तैनात किए गए हैं, ताकि भारत की तरफ से आने वाले फाइटर जेट को डिटेक्ट किया जा सके। अगर हम इस रडार सिस्टम की बात करें तो TPS-77 एक लॉन्ग रेंज ग्राउंड बेस्ड एयर सर्च रडार सिस्टम है। इस रडार की अधिकतम रेंज 500 किलोमीटर कही जा रही है। ये 300 किलोमीटर दूर से ही किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। वहीं लो लेवल पर फ्लाई करने वाले किसी भी फाइटर को ये 200 से 150 किलोमीटर की दूरी में डिटेक्ट कर सकता है। इस सिस्टम को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये दुनिया का इकलौता ऐसा रडार है जो कि वैली के जरिए आने वाले फाइटर्स को भी आसानी से पकड़ सकता है। दरअसल कभी कभी एयर स्ट्राइक मिशन पर फाइटर्स फॉर्मेशन में निकलते हैं, तो कोशिश ये होती है कि दुश्मन के रडार से बसते हुए पहाड़ों की घाटियों से लो फ्लाइंग करते हुए निकला जाए। ये दावा किया जा रहा है कि रडार इस तरीके के फाइटर्स मूवमेंट्स को भी ट्रैक कर सकता है। पाकिस्तान अमेरिका के अलावा चीन से भी एयर डिफेंस के लिए रडार सिस्टम खरीद रहा है। भले ही पाकिस्तान LOC पर शांत दिख रहा है, लेकिन प्रॉक्सी वार को लगातार जारी रखे हुए। अमेरिका के अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियारों और कम्युनिकेशन डिवाइस आतंकियों के हाथ भी लग चुके हैं और घाटी में भी पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान को इस बात का डर है कि अगर आतंकी घाटी में कोई बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं तो उसका बदला बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन से लिया जा सकता है, लिहाजा वो अब कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं चाहता। तो देखा आपने दोस्तों किस तरीके से अमेरिका और पाकिस्तान ने एक गुपचुप डील की है, यानी कि हथियार के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है उन्हें बेचने के लिए। तो ऐसे में TPS-77 की ये जो खबर आ रही है, जो ये रडार सिस्टम खरीदा है, जिनमें से 8 पाकिस्तान को मिल चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे इलाके में चाक चौबंद कर रहा है पाकिस्तान। इसलिए दोस्तों हमारा अमेरिका के साथ जाना पूरी तरीके से पक्ष में भी नहीं है। धोखा कहां मिल जाए, जिस देश की आदत ये रही है। ऐसे में दोस्तों सवाल यही उठते हैं कि भारत को अपना प्लान, अपना मिशन अपने हिसाब से तय करना होगा, जो कि अभी तक करता भी आया है। और दूसरा, हथियारों को लेकर भी भारत को अब बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जरूरत हो गई है कि अमेरिका के किसी भी हथियार को लेने से पहले हमें अब सोचना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों, इस करतूत के बारे में आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, नमस्कार।